पूरा लाया ये देखो जी हमने भट्टी बनाई है जी, हीटर भट्टी पुरानी, पीछे फैन लगा हुआ है, पुरानी टूटी भट्टी, जो भट्टी बेकार हो जाती है जंग लगने के बाद बेकार हो जाती है, कबाड़ में बेचते हैं उनको, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक भट्टी बनाई है हमने। दो हीटर नीचे लगाए हुए हैं, दो हीटर राड ऊपर हैं और पीछे फैन लगाया हुआ है हमने। इलेक्ट्रॉनिक भट्टी है ये और कम खर्चे में इलेक्ट्रॉनिक भट्टी है, ऐसे बनती है जी। इसमें खर्चा आया जी हमारा 400, सारा दो ढाई सौ रुपये खर्चा आया जी। फैन हमारे पास पड़ा हुआ था और ये 30-30 रुपये की दो राड लाई हैं और 30-30 रुपये के एलिमेंट है और 30-30 की प्लेट है बस, होड़ भट्टी पड़ी हुई थी इसी को यूज कर लिया और ये फुल टेम्परेचर बना रही है और ये कह सकते हैं कि बड़ा रूम हीटर। सान भाइयों ये सबसे सस्ता तरीका है, हीटर लगाते हैं फार्म में, कम थोड़ी जगह में अपना टेम्परेचर देते हैं, इससे फैन से हवा मारता है और ना एलिमेंट खराब होते ना जलते हैं इससे। वैसे हम लगाते हैं एलिमेंट जल्दी जल जाते हैं प्लेटों में, 2-3 घंटे बाद एलिमेंट, 4 घंटे बाद, 12 घंटे बाद एलिमेंट जल जाता है और ये बेकार हो जाता है और ऐसे एलिमेंट पे हवा पड़ती है और एलिमेंट खराब नहीं होता, ना ही जलता है। हीट इतनी है कि बच्चा इसके आसपास, इससे दूर है बच्चा सारा। और यहाँ देखो कोई बच्चा नहीं है, फुल हमारी हीट इलेक्ट्रॉनिक हीटर हीटर चल रहे हैं, बस भट्टी से भी बंद है, यहाँ तक आ रहा है। और ये इसको थोड़ा वहाँ उस भट्टी भट्टी लगवा जा रही है, फुल फुल पूरे टेम्परेचर इसी ने बना रखा है सारे और बाहर सर्दी इतनी है कि टेम्परेचर देखो 95-97 टेम्परेचर बना रखा है। रात का टाइम है और सर्दी है, पोस का महीना है, पो का। चलो ओके।